धर्मेंद्र जी भी इस बात को समझ रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी जान रहे हैं। और क्या हम मैं तो कह रहा हूँ, धर्मेंद्र जी यही अपने घर में, आप देखिए उनके कई नेताओं को आपस में विरोध है, कई उनके यादव समाज के जो नेता हैं, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, तो सारे लोग अंदर से विरोध कर रहे हैं कि अब धर्मेंद्र अगर हो जाएंगे तो धर्मेंद्र का तो करियर बहुत लंबा है। धर्मेंद्र के बताए हुए सीट आने भी फंस गई है भाई, जो पहले भाजपा ने जीती है वहां, वही भाजपा वाले अब आ गए सपा में, और सपा में अखिलेश जी ने उनको हारने के बावजूद भी MLC बना दिया, और उन्हीं की बेटी वहां से सांसद है, तो धर्मेंद्र जी की सीट तो गई बदायूं। तो फिर बदायूं अब क्या होगा, ये आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ अगर धड़कन है तो उस धड़कन में ऑक्सीजन देने वाले आजमगढ़ में लोग नहीं है। आजमगढ़ में यादव समाज का कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी लड़ाती, अब अगर धर्मेंद्र यहाँ यादव समाज नहीं समझ रहा है, यह समाजवादी पार्टी पदाधिकार करने वाले लोग ये नहीं समझ रहे हैं, अगर धर्मेंद्र यादव इसमें जीत गए तो उनकी परमानेंट की सीट आजमगढ़ हो जाएगी और बधाई हो जाएगी मौर्या जी की बेटी की, तो ये सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं कि अच्छा मौका है इस बार से पैक, यहीं से बढ़िया से पैक करके, क्योंकि गर्मी है, बर्फ बर्फ डाल के सिली लगा के पैक करके भेजा जाए ताकि सफाई जाते जाते खराब ना हो, खराब जो सफाई के लिए तो ताजा दिखे, और सफाई के आसपास अपनी कोई पार्लियामेंट की सीट खोई। ये बिल्कुल देखिए, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, देखिए दो चीजें हैं अभी, कई क्योंकि आप लोकल हैं तो जिनका ये बेस वोट सपा का जो बेस वोट है जिसको हमेशा बेस मानते हैं यादव समाज, यादव समाज के भी जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ के, बड़ी पॉलिटिकल भूमि है बलिया और आजमगढ़, इधर पूर्वांचल में सबसे पॉलिटिकल भूमि कही जाती है, नर्सरी कही जाती है पॉलिटिकल भूमि, उन लोगों का ये मानना है कि अगर हमारा समाज, यानी हम फिर इस बार अगर धर्मेंद्र जी को जिता देते हैं तो ये हमेशा की खेती उन लोगों की हो जाएगी, वो लोग भी मन बनाए हैं कि इस बार इनको हम सबक सिखाने लगे, छोटे माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, अब धर्मेंद्र जी अगर मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं इनकेस, तो धर्मेंद्र जी की जो सीट बधाई हुई